नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री रीवा महाराज पुष्पराज सिंह आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। दरअसल इसके पहले भी जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे तब भी वो भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय जब रीवा आए थे तो सैनिक स्कूल के हेलीपैड पर भी सीधे तौर पर सदस्यता की बात हुई थी, लेकिन उसके लिए एक विधिवत कार्यक्रम की बात हो रही थी और वहीं से लगभग तस्वीरें साफ हो गई थी कि पुष्पराज सिंह अब भाजपा के साथ जाएंगे। और आज ये सीधी तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय भोपाल की है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भोपाल की है, जहां पर तमाम कोर ग्रुप के मेंबर, भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और उनके सामने ये सदस्यता हुई है, उन्हें भाजपा ज्वाइन कराया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कोर ग्रुप के तमाम मेंबर, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। उनके बेटे सिरमौर विधानसभा सीट से विधायक दिव्यराज सिंह भी वहां पर मौजूद थे, राजेंद्र शुक्ला थे और वहां पर इन्होंने विधिवत रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। किन वादों के साथ, क्या कमिटमेंट के साथ पुष्पराज सिंह जी को भाजपा में लाया गया है, ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल औपचारिक रूप से सदस्यता आज उन्होंने ग्रहण कर ली है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके पहले भी नगर निगम चुनाव के समय बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखे थे, वहां से रुख लगभग साफ हो चुका था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और अब लगभग चीजें इसलिए साफ हो गई क्योंकि आज विधिवत रूप से ये सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। भाजपा प्रदेश कार्यालय भोपाल में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें इसके ठीक पहले अगर जाए 2018 जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैंपेन उफान पर था, उस समय पर जब राहुल गांधी रीवा आए थे उस समय पुष्पराज सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी, उस समय कांग्रेस में शामिल कराया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार बनने के बाद धीरे धीरे उनकी सक्रियता कम हुई। तब से ही अटकलें थी कि जल्द ही वो दल छोड़ सकते हैं, कांग्रेस छोड़ सकते हैं और अब साफ हो चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलेगी या फिर आगामी चुनाव को लेकर कोई रणनीति तैयार की गई हो या फिर आगामी चुनाव में सीधे तौर पर उन्हें कहीं से चुनाव लड़ाया जा सकता है, इस बात की भी चर्चा है। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल रीवा के महाराज पुष्पराज सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा के तमाम बड़े नेता, मध्य प्रदेश कोर ग्रुप के बड़े नेता जो भोपाल पहुंचे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण जटिया, तमाम वो ग्रुप के सदस्य जो एक महत्वपूर्ण बैठक में वहां पहुंचे थे और वहीं पर इन्हें सदस्यता दिलाई गई, यानी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और विधिवत पार्टी में प्रवेश दिलाया गया है। कुल मिलाकर अब बीजेपी के साथ रीवा के महाराज पुष्पराज सिंह रहेंगे, बेटे दिव्यराज सिंह सिरमौर विधानसभा सीट से विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं और अब पिता भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से क्या कुछ होगा, क्या कमिटमेंट किए गए हैं, किन जिम्मेदारियों को सौंपा जाएगा या फिर जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनमें किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह से या फिर कहीं से चुनाव लड़ाने की तैयारी होगी, ये सब कुछ आगे आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, रीवा के महाराज पुष्पराज सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।